इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मशीन टूल टेस्टिंग के बारे में। मशीन टूल टेस्टिंग के अंदर आपको बताया था कि तीन तरह के हम टेस्ट करते हैं, कौन कौन से, ज्योमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ज्योमेट्रिक टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और अलाइनमेंट टेस्ट। जैसा कि हमारे सिलेबस में हमसे पूछा गया है अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में, किन किन मशीनों पे, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन, इन तीनों मशीन पे हमने अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में बात करनी है। जो प्रोसीजर रहेगा अलाइनमेंट टेस्ट का, उस प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा अलाइनमेंट टेस्ट है। तो देखिए, अभी तक हम दो अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, कौन कौन से अलाइनमेंट टेस्ट। सबसे पहले हमारा अलाइनमेंट टेस्ट था लेथ मशीन पे, कि हम अलाइनमेंट टेस्ट जो लेथ मशीन पे करते हैं, जिसके अंदर हमने बात कर ली लेवलिंग ऑफ द मशीन की, जो प्रोसीजर रहेगा जिसके अंदर हम लेवलिंग करेंगे मशीन की। इसके अलावा जो उसके अंदर रन आउट स्पिंडल है, उस चीज को चेक करना, पैरालिज्म को चेक करना, वो हमारा किसके अंदर था, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन। नेक्स्ट हमने सेकंड पॉइंट में बात की अलाइनमेंट टेस्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन पे, जिसके अंदर हम बेस प्लेट के अकॉर्डिंग स्क्वेयरनेस को चेक करते हैं किसी भी स्पिंडल के। और अब हम बात कर रहे हैं थर्ड हमारा कौन सा है, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन मिलिंग मशीन की। मिलिंग मशीन पे हम अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं, तो क्या क्या ऑड टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं अलाइनमेंट्स को चेक करने के लिए मिलिंग मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर, वो क्या होता है, टेबल टॉप सरफेस मूवमेंट पैरेलल विद टेबल, जो हमारा टेबल रहेगा, लाइन ऑफ स्पिंडल है, यानी कि टेबल जो हमारा टेबल की टॉप सरफेस है, सिंपल कि जो हमारा टेबल है, जिस टेबल पे हम यूज कर रहे हैं, वर्कपीस को रख रहे हैं, उसका जो टॉप सरफेस है, उसकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट, वो मूवमेंट पैरेलल है किस चीज के, लाइन ऑफ, जो भी लाइन ऑफ हमारी स्पिंडल है, उस लाइन ऑफ स्पिंडल के पैरेलल चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि टेबल टॉप सरफेस पैरेलल की, हमारा जो टेबल टॉप सरफेस है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल विद द लाइन ऑफ स्पिंडल, विद सेंटर लाइन ऑफ स्पिंडल, कि जो हमारी स्पिंडल की लाइन है, सेंटर लाइन है, उस लाइन के पैरेलल है या नहीं, ये टेस्ट होता है फर्स्ट पॉइंट में हमारा टेबल टॉप सरफेस की। जो भी हमारा मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन का जो टेबल का टॉप सरफेस रहता है, वो उसको हम पैरेलली चेक करते हैं कि वो पैरेलल है, किस चीज के पैरेलल है, जो लाइन ऑफ स्पिंडल है, हमारी जो लाइन ऑफ स्पिंडल होगी उसके पैरेलल। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, टेबल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, टेबल लॉन्गिट्यूडनल, टेबल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, जो भी हमारी टेबल की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट रहेगी, उस मूवमेंट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक है, पैरेलल विद किसके पैरेलल, जो टेबल टॉप सरफेस रहेगा उस सरफेस के पैरेलल है, क्या पैरेलल है, जो हमारे टेबल की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट पैरेलल विद द पैरेलल विद द टेबल टॉप सरफेस, जो हमारा टेबल टॉप सरफेस है, उस सरफेस के पैरेलल है या नहीं, ये काम हमारा रहेगा सेकंड टेस्ट इसके अंदर मिलिंग मशीन के ऊपर, जब हम बात करेंगे अलाइनमेंट टेस्ट की, कि टेबल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट की, जो टेबल की मूवमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रही है, वो टेबल जो का जो टॉप सरफेस है, उस सरफेस के पैरेलल है या नहीं है। थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारी क्या होगी, ट्रू रनिंग थर्ड पॉइंट है, ट्रू रनिंग, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ट्रू रनिंग ऑफ इंटरनल टेपर, जो हमारे इंटरनल टेपर है किसके अंदर, मिलिंग मशीन की, उसकी जो रनिंग है वो ट्रू है या नहीं, वो चेक करना, ट्रू रनिंग ऑफ इंटरनल टेपर, ट्रू रनिंग ऑफ इंटरनल टेपर, जो हमारे इंटरनल टेपर है उनकी ट्रू रनिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क लॉन्गिट्यूडनल, जो भी हमारा वर्क टेबल है, वर्क टेबल इन लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन, कि जो हमारा वर्क टेबल है वो लॉन्गिट्यूडनल में है या फिर क्रॉस डायरेक्शन में। तो वर्क टेबल फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, वर्क टेबल इन लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल एंड क्रॉस
के लिए भी हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं, किस डायरेक्शन को चेक करने के लिए कि जो हमारे टेबल की मूवमेंट है, हमारे वर्क टेबल की जिस पे हम वर्क पीस रखा हुआ है, जॉब हमारी फिट है, उसकी जो मूवमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल है और या फिर क्रॉस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, डायरेक्शन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा ओवर आर्म पैरेलल विद स्पिंडल की, जो हमारी ओवर आर्म है वो पैरेलल है स्पिंडल के साथ, ये टेस्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, ओवर आर्म पैरेलल विद द स्पिंडल, विद द स्पिंडल, ये हमारा कौन सा रहेगा फिफ्थ टेस्ट जो हम करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन मिलिंग मशीन के ऊपर। तो ये हमारे मशीन टूल टेस्टिंग का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या बात की कि मशीन टूल टेस्टिंग के अंदर तीन तरह के हमारे टेस्ट होंगे जो हम परफॉर्म करवाएंगे मशीन टूल के टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो भी हमारे मशीनिंग है, मशीन के टूल्स हैं, उनकी टेस्टिंग करने के लिए तीन तरह के हमारे पास क्या रहेंगे टेस्ट, कौन कौन से, ज्योमेट्रिक टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और अलाइनमेंट टेस्ट। तो हमने बात करनी है अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, दो अलाइनमेंट के बारे में बात कर चुके थे, ये हमारी कौन सी है थर्ड अलाइनमेंट टेस्ट। तो फर्स्ट अलाइनमेंट टेस्ट हमारा कौन सा था, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन, कि जो हमारी लेथ होती है, लेथ के ऊपर जो अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। सेकंड हमने बात की है अलाइनमेंट टेस्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन या फिर बोल सकते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर जो टेस्ट करते हैं। थर्ड हमारा कौन सा था, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन मिलिंग मशीन, कि जो हमारी मिलिंग मशीन होती है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, मेटल को रिमूव करने के लिए, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए मेटल पे। तो मिलिंग मशीन के अंदर देखिए सबसे पहले जो टेस्ट हम परफॉर्म करवा रहे हैं वो क्या है, टेबल टॉप सरफेस पैरेलल विद द सेंटर लाइन, कि जो टेबल का टॉप सरफेस है वो सेंटर लाइन ऑफ स्पिंडल के पैरेलल है या नहीं। सेकंड हमारा क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट रहेगा टेबल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, कि जो हमारा टेबल है उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रही है, मतलब टेबल है, टेबल की जो मूवमेंट हो रही है वो पैरेलल है किसके, टेबल टॉप सरफेस के पैरेलल है या नहीं, ये टेस्ट करते हैं, हमारा सेकंड टेस्ट रहेगा। थर्ड हमने बात कौन सी की है, ट्रू रनिंग ऑफ इंटरनल टेपर, जो हमारे इंटरनल टेपर है उसकी जो रनिंग हो रही है वो ट्रू है या नहीं। वर्क टेबल इन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस डायरेक्शन, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं वर्क टेबल को लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन में। ओवर आर्म पैरेलल विद स्पिंडल, की जो हमारी ओवर आर्म है वो पैरेलल है स्पिंडल के साथ या फिर पैरेलल नहीं है। तो ये हमारे क्या रहेंगे अलाइनमेंट टेस्ट, जिनके बारे में हमने बात की कि तीन तरह के हमारे अलाइनमेंट टेस्ट होंगे, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन और तीसरा हमारा कौन सा होगा अलाइनमेंट टेस्ट ऑन मिलिंग मशीन। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में, तीनों टेस्ट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस यूनिट का जो हमारी मेजरमेंट एंड गेजिंग थी, लास्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, वो होगा हमारा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का हमारा, वो क्या रहेगा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उन जो भी हमारे प्लेन सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर बोल दीजिए जो हमारे एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गेज है, लिमिट है, जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी भी मेजरमेंट करने के लिए, उनकी हम टेस्टिंग और मेंटेनेंस किस तरह से रखते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें कि टेस्टिंग और मेंटेनेंस हम किस तरह से रखते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल लीनियर मेजरमेंट की, कि जब हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे तो लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से हम यूज करते थे, आपको बताया था जैसे स्टील होता है, स्टील रूल है, क्लिपर है, डिवाइडर है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। अगर हमने कोई भी लीनियर मेजरमेंट करनी है तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, स्टील रूल का, डिवाइडर का, क्लिपर का, माइक्रोमीटर, वर्नियर क्लिपर, कौन से हमारे थे इंस्ट्रूमेंट लीनियर मेजरमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं उसी स्केल और वर्नियर कैलिपर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केल एंड वर्नियर क्लिपर्स, स्केल एंड वर्नियर क्लिपर्स, कि जो हमारे स्केल है या फिर वर्नियर क्लिपर है
इनकी हम टेस्टिंग और मेजरमेंट, यानी कि इनकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस, सॉरी टेस्टिंग और मेंटेनेंस हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए, जब भी हम स्केल का यूज करेंगे तो हमने क्या चेक करना है कि जो भी हम स्केल यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्क्वायर है या नहीं, कि जो उसके एजेस है वो बॉर्न आउट तो नहीं हुए, मतलब कहीं से जो एजेस है हमारे स्केल के वो टूटे हुए तो नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का एरर तो नहीं है। जब भी हमने वर्नियर कैलिपर का यूज करना है तो जीरो एरर होना चाहिए, हमारे जो भी कैलिपर्स होंगे या फिर वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, जितने भी हम डिवाइस यूज करेंगे तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, जीरो एरर होना चाहिए, ताकि हम एफिशिएंटली उसका यूज कर सके। इसके अलावा जो स्केल और वर्नियर कैलिपर है इनको हमने डस्ट फ्री एरिया होगा हमारा, क्या होगा, डस्ट फ्री एरिया, जहाँ पे डस्ट ना हो, क्लीन एरिया हो, कवर्ड एरिया हो, वहाँ पे हमने रखना होगा इन इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि ये क्या ना हो, खराब ना हो। तो हम क्या लिख सकते हैं स्केल और वर्नियर कैलिपर में कि चेक इफ स्टील रूल एंड्स आर बॉर्न आउट। हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले कि जो इसके एजेस है वो बॉर्न आउट तो नहीं है, क्या करना है चेक, हम क्या लिख सकते हैं कि चेक, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात कर ले यहां पे, फर्स्ट पॉइंट चेक द एंड्स ऑफ स्केल आर बॉर्न आउट, कि जो भी हमारा स्केल है जो हम यूज कर रहे हैं कि वो बॉर्न आउट तो नहीं है, कहीं से टूटे तो नहीं हुए, इस तरह से हमने उनको चेक करना कि वो जो बॉर्न आउट तो नहीं है हमारे जो भी हम स्केल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और हम बात क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने स्केल यूज करना है वो स्केल हमने क्या यूज करना है, प्रॉपर, यानी कि वो क्या होना चाहिए, स्केयर होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अनस्केयर नहीं होना चाहिए, अनस्केयर बिफोर यूजिंग, की जो चेक कर रहे हैं तो वो अनस्केयर नहीं होना चाहिए यूज करने से पहले हमारा स्केल। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं कि वर्नियर जो भी हमारे स्केल्स होते हैं इनको कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब जिस चीज पे हम मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर फ्लैट लाई नहीं करना चाहिए, फ्लैट हमने रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो हमारी ग्रेजुएशंस होती हैं वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाती। जब भी मतलब अगर हम करें डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर इस तरह से लेटा रहे हैं स्केल को, तो हम प्रॉपर जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस लेनी है, प्रॉपर जो ट्रू रीडिंग्स है वो हमें प्राप्त नहीं होती अगर हम वर्नियर स्केल का यूज करते हैं, अगर फ्लैट हम उसको लगाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, द स्केल शुड नेवर बी लेड फ्लैट, द स्केल शुड नेवर बी, द स्केल शुड नेवर बी लेड फ्लैट, कि कभी भी जो हमारा स्केल है उसको हमने फ्लैट नहीं रखना, जो भी हमारा स्केल है उसको हमने कभी भी फ्लैट नहीं रखना, ऑन द पार्ट, यानी कि जिस भी पार्ट की हमने मेजरमेंट करनी है, जिस भी पार्ट को हमने मेजर करना है, उस पार्ट के ऊपर कभी भी उसको हमने क्या करना, इस तरह से फ्लैट करके नहीं रखना। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं कि जो भी हमारा वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी हमारे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कभी भी उनको हमने जैसे पुट करना है, यानी कि रखना है, मतलब हमने काम कर लिया, ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, जो भी हमने रीडिंग्स लेनी थी वो रीडिंग ले ली, लेकिन जब हम उसको रख रहे हैं तो आराम से रखना है, कि वॉयलेंटली जैसे हमने बोल दिया कि किसी फोर्स के साथ नहीं रखना, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जो मेजरमेंट है उनके अंदर एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो और हम क्या लिख सकते हैं कि when laying an instrument on work table, कि किसी भी वर्क टेबल के ऊपर जब हम इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं, इट शुड नॉट बी वॉयलेंट, ठीक है, वॉयलेंट नहीं होना, कि आराम से रखना है, ठीक है, वो क्या रखना है हमने, आराम से, ठीक है, वॉयलेंटली। इसके अलावा लास्ट हम क्या बात कर सकते हैं कि जो भी हमारे वर्नियर कैलिपर हैं, या फिर हमारे माइक्रोमीटर है, या फिर बोल दीजिए जो हमारे स्केल है, इनको हमने कहां पे रखना है, एक अच्छे प्लेस पे, कहां पे, ड्राई प्लेस, ड्राई, ठीक है, यहां पे लिखते हैं ड्राई एंड डस्ट फ्री प्लेस, ड्राई एंड डस्ट फ्री प्लेस, कि जब हम इनको रखने की बात करेंगे कि हमने
जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको जब हम रखने की बात करेंगे तो हमने क्या करना है, एक ड्राई डस्ट फ्री प्लेस पे रखना है, जहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट ना हो, कवर्ड हो। इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक ऑयल की फिल्म परत चढ़ी होनी चाहिए, ताकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार के क्रोजन की प्रॉब्लम ना आए, जो क्रोसिव अटैक्स हो वो ना हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग और मेंटेनेंस कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ये तो हमने बात की है स्केल और वर्नियर कैलिपर की, स्केल और वर्नियर कैलिपर की। इसी तरह अगर हम बात कर ले स्केल वर्नियर कैलिपर में, पता लग गया कि जो भी हमारा स्केल है, स्केल के जो एंड होते हैं, जब आपने स्केल देखा होगा स्टील रूल, तो स्टील रूल के जो भी एंड्स वगैरह हैं वो वॉर्न आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि राउंड वॉर्न आउट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा स्केल शुड बी नॉट लेवल फ्लैट, कि हमने कभी भी स्केल को फ्लैट किसी पार्ट के ऊपर इस तरह से फ्लैट करके नहीं रखना। When laying on instrument on work table, it should not be boiling. जब भी हमने work table के ऊपर हमारे क्या रखना है steel rule को, या फिर हमारा vernier clipper, या फिर कोई भी instrument है measuring instrument को, जब हमने रखना है उसके ऊपर, तो आराम से रखना है, कि जोर से pressure apply करके नहीं रखना। इसके अलावा dry and dust free area, जो हमारा dry सूखा हुआ area, dust free area जहाँ पे बिल्कुल भी dust ना हो, covered area हो, film protected area हो, वहाँ पे हमें रखना चाहिए, ताकि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर कोई भी एरर ना आए। नेक्स्ट हम इसी तरह बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली स्केल और वर्नियर कैलिपर की, स्केल भी बोल सकते हो या फिर स्टील रूल बोल सकते हो। सेकेंड हम बात करते हैं हाइट गेज, सेकेंड हमारा रहेगा हाइट गेज। तो अब देखिए हाइट गेज, हाइट गेज के अंदर ठीक है, जो हमारा हाइट गेज होगा तो हाइट गेज के अंदर हम किस तरह से रख सकते हैं, कि जब भी हम हाइट गेज की बात करेंगे, हाइट गेज, तो हाइट गेज के अंदर कि जो भी हमारी हाइट गेज के अंदर जो कॉलम रहेगा उसके ऊपर कभी भी हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से उसके टूटने के चांस, उसके बेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं, कि जो भी जब भी हम यूज करेंगे, बिफोर यूजिंग मतलब ऑपरेशन को करने से पहले, मेजरमेंट करने से पहले, हम क्या हमेशा चेक करेंगे, जीरो एरर, कि हमारा जो गेज है उसके अंदर जीरो एरर होनी चाहिए। क्योंकि अगर एरर हम नहीं चेक करेंगे, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर होंगे, तो उसकी वजह से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, तो उस मेजरमेंट के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, एरर्स मिलेंगे। और वही सेम चीज, इसको भी हम कहाँ पे रखेंगे, डस्ट फ्री एरिया में, एक डस्ट फ्री और क्लीन एरिया, जो कवर्ड एरिया है, क्लीन एरिया है, डस्ट फ्री एरिया है, वहां पे हम इसको प्लेस करके रखेंगे, ताकि इसकी मेंटेन हम इसको रख सकें। जो इसका टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर राइज होने से प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि राइज होने से बचाएंगे, अवॉइड करवाएंगे, कि टेम्परेचर जितना कम रहे उतना अच्छा है, कि टेम्परेचर इंक्रीज ना हो जैसे जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे किसके अंदर, हाइट गेज के अंदर। इसी तरह हमारा आ जाएगा ठीक है, तो हाइट गेज। थर्ड अगर हम बात करें मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो थर्ड हमारा कौन सा होगा, डेप्थ गेज। थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, डेप्थ गेज। तो सिमिलर पॉइंट है, जैसे हमने इसके अंदर बात की, सिमिलर उसी तरह आ जाएंगे डायल इंडिकेटर। तो एक बार नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हमने टेस्टिंग और मेजरमेंट करनी है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर्स। तो अब देखो एक बार कि ये सारे हमारे कौन से हैं, एक तरह से लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके अंदर हमने क्या करनी है, टेस्टिंग और मेंटेनेंस करनी है। तो जो कॉमन इनके अंदर पॉइंट्स रहेंगे, वो सबसे पहले यही पॉइंट रहेंगे कि जब भी हमने इनका यूज करना है, तो इनको वायलेंटली यानी कि आराम से रखना है, कि कोई भी प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई नहीं करना। जब भी हमने किसी वर्क टेबल के ऊपर इनका यूज करना है, तो हमने जब इनको पुट करेंगे तो आराम से इनको रखेंगे, ताकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एरर, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो कॉमन रहेगा इनके अंदर वो क्या है, इनको ड्राई, ठीक है, इनको हमेशा कहाँ रखना है, ड्राई एंड डस्ट फ्री एरियाज। जो भी हमारे डस्ट फ्री एरियाज हैं, डस्ट फ्री प्लेसेस हैं, वहां पे हम रखेंगे इन चीजों को, ठीक है, ये सारे जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम डायल इंडिकेटर की बात करें, तो जो हमारा डायल है, डायल को प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा। डायल जो हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर के रूप में, तो प्रॉपर डायल को मेंटेन करके रखना होगा। जो वेरिएशंस आ रही हैं पॉइंटर के अंदर, उनको कम से कम करना होगा। जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उन वाइब्रेशंस को भी हमने कम करना होगा। हाइट गेज में जैसे कि आपको बताया कि इसको भी हमने ड्राई डस्ट और क्लीन एरिया में रखना है, और जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, उस टेम्परेचर को राइज होने से बचाना है, यानी कि टेम्परेचर राइज नहीं करना, हमने कम से कम टेम्परेचर करना है। और जो भी हम और किस लिए यूज कर सकते हैं,
जीरो एरर। ये एरर की बात भी इन सब में लागू होगी कि जब भी हमने यूज करना है इंस्ट्रूमेंट का तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर क्या होना चाहिए, जीरो। बिफोर मेजरिंग, मेजरमेंट करने से पहले एरर क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम, जीरो होना चाहिए। क्योंकि एरर होगा तो उसके बाद जो भी हम मेजरमेंट करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी क्या होगा, एरर्स आएगा। इसके अलावा इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए कि समय समय पर इंटरवल के बाद जब जब इनको मेंटेनेंस की जरूरत है तो इनको हम मेंटेन करें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जो भी इनकी स्पेसिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग हम इनको क्या करें, मेंटेन करके रख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे दूसरे रेफरेंस है, जिन रेफरेंस के साथ हम इनको मेजर करते हैं, जिन रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने ये चीजें बनाई हुई है, डेप्थ गेज है, जो डायल इंडिकेटर है, माइक्रोमीटर्स हैं, उनको भी प्रॉपर समय समय पे हमने क्या करना है, चेक करना रहना है कि दोनों की रीडिंग के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, कि जो हमने डायल इंडिकेटर बनाया और एक रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस वगैरह ना हो। तो ये हम यूज कर सकते हैं सिर्फ किस लिए, हमारी जो भी, ताकि हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सके मेंटेनेंस करके। क्योंकि अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर इनकी प्रॉपर टेस्टिंग और मेंटेनेंस नहीं करेंगे, विदाउट टेस्टिंग और मेंटेनेंस हम इनका यूज करेंगे, तो उसकी वजह से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे हर मेजरमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई एरर्स क्वालिटी के अंदर हमें मिलेगा, बिकॉज कि हमने टेस्टिंग और मेंटेनेंस नहीं की हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। इसी तरह ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा और एक होता है कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट भी आपको पता है कि कॉम्बिनेशन सेट क्या होता था, एक डिवाइस थी जिसका, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका हम यूज किस लिए करते थे, जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है जिसके अंदर ट्राई स्केयर, काफी तरह के हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, ट्राई स्केयर हो गया, वेबल प्रोटेक्टर हो गया, यूनिवर्सल प्रोटेक्टर हो गया, स्टील रूल हो गया, तो उनका हम यूज करके एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते थे वो हमारा था कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट का भी जब हम यूज करेंगे तो इनकी सबसे पहले टेस्टिंग और मेंटेनेंस जरूरी है। तो क्या करना है, हमने चेक द एज ऑफ स्केल, जितने भी स्केल की एज है हमारी, तो उन सभी एजेस को हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर ठीक है या नहीं। इसके अलावा एज द प्रोटेक्टर स्केल, सिंपल जो स्टील रूल वर्क का स्केल है वो चेक करेंगे। उसके बाद जो प्रोटेक्टर का स्केल बना हुआ है, जो हमारा वेबल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल प्रोटेक्टर हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन सेट के अंदर, हमने उसको चेक करना है कि वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, ठीक है। और सरफेस स्पिरिट लेवल जो हमने यूज किया हुआ है, स्पिरिट लेवल को चेक करना है। और क्या हो सकता है, सरफेस भी चेक करने हैं, जो भी सरफेस है उनको चेक करना है, ट्राई स्केयर जो हमने यूज किया है वो चीज को चेक करना है। तो इस तरह से बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बिफोर ऑपरेशन, बिफोर परफॉर्मेंस, कि परफॉर्म करवाने से पहले, इनका यूज करने से पहले इनको प्रॉपर चेक करना, वो किसके अंदर आ जाएगा, टेस्टिंग के अंदर। मेंटेनेंस के अंदर अगर हम बात करें तो इनको प्रॉपर ड्राई स्थान पे रखना, ड्राई प्लेसेस पे रखना, डस्ट फ्री एरियाज में रखना, कवर एरिया में रखना, जहाँ पे पूरा कवर हो, जो एटमोसफेयर का इफेक्ट है वो कम से कम पड़े। इनको फिल्म, इनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, एक फिल्म की लेयर चढ़ा के रखना, ऑयल की लेयर से इनको प्रोटेक्ट करना, ताकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोरोसिव अटैक्स ना हो, अटैक ना हो, हम इनको क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके। तो ये हमारे क्या रहेंगे, हमारे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हमने, ये हमारे 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की कि किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट आपको बता दिया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमने चेक करना है इसकी, जो भी इसका स्केयरनेस है, जो स्केल हमने यूज किए हुए हैं, जो इनके अंदर हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर जो हमारे स्क्रू वगैरह यूज किए, चाहे वो लॉकिंग स्क्रू है, जो हमारे थिम्बल है, जो हमारा मेन स्केल है, इन सब स्केल को चेक करना कि वो कहीं पे खराब तो नहीं हुए, वॉर्न आउट तो नहीं हुए। इसके अलावा जो हम प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में, प्रोटेक्टर स्केल है, उस चीज को चेक करना कि हमारा स्केल प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं, स्केल कहीं से वॉर्न आउट हो तो, टीयर एंड वियर तो नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर हम मेंटेनेंस की बात कर ले तो मेंटेनेंस इनकी कैसे हो जाएगी कि हमने इनको ड्राई प्लेसेस पे रखना है, डस्ट फ्री एरियाज में रखना है, कवर्ड एरिया में रखना है, और ऑयल प्रोटेक्ट करना है ताकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोरोसिव अटैक ना हो। तो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हमने काफी टॉपिक्स के बारे में बात की है, जो हमारे टॉपिक्स थे, जिस टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स की बात की थी कि जो हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और जो हमारे न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। नेक्स्ट हमने जो भी हमारे लीनियर मेजरिंग, एंगुलर मेजरिंग और प्लेन सरफेस के मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनके अंदर हमने माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डेप्थ गेज,
हाइट गेज के बारे में बात की, कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, साइन बार क्या होता है, साइन बार कॉम्बिनेशन सेट ऑटोकॉलिमेटर जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, किसी भी प्रकार की एंगुलर मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट हमने बात कर ली थी उसके अंदर फ्लैट के बारे में कि जो हमारी फ्लैट सरफेस की मेजरमेंट है या प्लेन सरफेस मेजरमेंट है तो स्पिरिट लेवल का, स्ट्रेट एज का, कॉलिनीमीटर का, तो ये सारे हमारे कौन से थे इंस्ट्रूमेंट जिनका हम यूज करते थे किसी भी सरफेस की मेजरमेंट करने के लिए। और नेक्स्ट हमने ये टेस्ट की बात कर ली कि टेस्टिंग और मेंटेनेंस हम किस तरह से करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अलाइनमेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है मेजरमेंट एंड गेजिंग।